स्वागत है जी सैल लेट न्यूज़ चैनल देख रहे सारे दर्शकों का। सो जिमें कि आप सारे जानते हाँ कि सरकार वालों जोड़े व्डे व्डे दावे किए जाते हैं नवा नरवा पंजाब में लैके, लेकिन उसी पंजाब के लुधियाना शहर के जो तो तस्वीर निकल के सामने आदियां ने तो इस दिल में जोड़ा बहुत दर्द तो बहुत दुख हों। आप दो दिन पहले ही तुम्हें दसिया कि सिविल अस्पताल लुधियाना के एक लेडी जो अंदर आती है उसू जरा शुरुआती इलाज भी नहीं मिल पाता तो उत्थे ही जरा तड़प तड़प के अपनी जी जान दे देती है। अज ही जी लुधियाना शहर के सिविल अस्पताल के एक बड़ी खबर निकल के आई है, तुम्हें आप लाइव न्यूज़ के माध्यम राही दसन चाहते हैं कि एक व्यक्ति बजुर्ग व्यक्ति जिहड़ा कि सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक के बाहर जी सड़क के गड्डी के थले डिग्गिया पिया जिसनों किसी भी व्यक्ति ने जरा नहीं चुकया, वह व्यक्ति बेहोशी की हालत में लगातार रात तो लैके सवेर तक सवेरे 9 बजे तक जिहड़ा सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक के बाहर सड़क पर डिग्गिया पै रहा। प्रशासन वालों तो सिविल अस्पताल के डॉक्टरों वालों किसी वालों भी जरा उस व्यक्ति को जरा नहीं चुकया गया। जिमें ही जो मीडिया का कैमरा उस व्यक्ति के कोल पहुँचता है उस तो बाद जी तुरंत कार्रवाई है वो शुरू हो जाती है। सो कितने ना कितने वेखना पवेगा कि प्रशासन में जेकर एडे वड्डे वड्डे दावे किए जाते हैं उत्थे ही दूसरे पास साडा सेहत विभाग तो साडा प्रशासन अज फेल हो चुका है। जेकर एक आम नागरिक का ध्यान जेकर प्रशासन ही रखेगा तो कौन रखेगा। एक व्यक्ति जिसनों मुरली सहायता की जरूरत है वह लगातार रात तो लैके सवेरे 9 बजे तक सड़क पर पिया रहा, किसी वालों भी उसनों चुक के जरा अस्पताल के अंदर दाखिल नहीं किया गया, किसी प्रशासन के मुलाजम वालों चुक के उसनों अस्पताल दाखिल नहीं किया गया। लेकिन जिदा ही मीडिया का कैमरा प्रेस का कैमरा उस व्यक्ति के कोल पहुंचा तुरंत ही जोड़ा एंबूलेंस भी लियाई जाती है, तुरंत जोड़ा स्ट्रैचर भी लिया जाता है, तुरंत जोड़ा वह सीनियर लैवल के डॉक्टर तक आके उस व्यक्ति को देखते हैं तो वह व्यक्ति जिंदा निकलता है। कहने का भाव है कि उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं मिलता। जेकर उस व्यक्ति की किसी कारण करके मौत होंगी तो जिम्मेवार कौन होंगे, कि वह जिम्मेवार प्रशासन होंगे या वह जिम्मेवार वह हर व्यक्ति होंगे जिसने उस व्यक्ति को देख के भी अणदेखा करके उस व्यक्ति को मुरली सहायता देने तक की जरूरत भी नहीं समझी। सो कितने ना कितने एक सवाल या निशान पैदा होंगे साढ़े प्रशासन से भी साढ़े जमीर से भी तो वड्डी गल इंसानियत से भी। दो दिन पहला ही एक औरत सिविल अस्पताल के आती है तो उसको स्ट्रैचर से ही जरा तड़प तड़प के मरना पै जाता और अज की खबर फिर वही तस्वीर निकल के सामने आदियां ने एक बजुर्ग व्यक्ति रात तो जोड़ा है सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक के बाहर सड़क पर डिग्गिया पिया हों लेकिन उसको किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता या फिर कोई भी मुढ़ली जरूरत है वो पूरी नहीं की जाती। सो सानू मैं न्यूज़ देने का माध्यम सिर्फ इन्ना ही कि जेडे भी वड्डे प्रशासन के अधिकारी या जेडे भी वड्डे सीनियर लैवल के डॉक्टर इस चीज़ को देख रहे हैं डॉक्टर रब का रूप मनिया जाता है तो लोगों का विश्वास थोड़े पर बहुत ज़्यादा बनया हुआ है। साड़ी तुहानू अपील है कि जो लोगों का विश्वास डॉक्टर पर बनया हुआ है इसनों बनया ही रहने दो, क्योंकि अजिही हर रोज़ जी सिविल अस्पताल लुधियाना के कारनामे निकल के सामने आ रहे हैं जिसे लगातार जो सिविल अस्पताल प्रशासन है वह दिन प्रतिदिन जी अपनी परफॉर्मेंस है उसको पूर करता जा रहा। सो ये सुधार देने की लड़ है, ये सुधार करने की लड़ है। जोड़े भी लोग सू इस समय लाइव देख रहे अपना सुझाव जरूर लिखियो कि इस विचाले इस पूरी घटना के विचाले आखिर गलती मुख किसकी है, इसका सुझाव अगर जरूर जानना चाहवागे। सो साडा लाइव आंदा मकसद सिर्फ इन्ना ही कोई कि जी इंसानियत है तो जी डॉक्टर प्रति विश्वास है कितने वो खत्म तो नहीं हो रहा, कितने वो घटता नहीं रहा। सो इसका फैसला जनता जी है वो आप करेगी, साडा काम से उन्होंने खबर देना। नाल ही तुहानू दस दिए जेकर असी प्रेस का कैमरा जो SMO के दफ्तर के बाहर जाता है तो SMO जी है वह कैमरे अगे आने तो बिल्कुल मना कर देती है। सो वेखण वाला यही होगा कि जोड़ा वो व्यक्ति जोड़ा लगातार रात तो जमीन पर पुंजे पिया और जिंदा पिया उसको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गई, इस समय अस्पताल की एमरजेंसी दाखिल है, कि वह व्यक्ति बचेगा या फिर वो आने वाले समय के उस किया जाता है और उस व्यक्ति में जेकर कल कुछ भी होंगे उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी। मैं शिवम मायन मेरे नाल कैमरा परसन लकी यादव, तुम वेख रहे हो सैलड न्यूज़ चैनल।